लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर एंड केयर वेलफेयर सोसाइटी भोपाल से सैयद शोएल हसन ने पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं को पढ़ाने और कई प्रकार के काम सिखाकर इनको आत्मनिर्भर बनाने का कई बरसों से सेंटर चला रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई है। साथ ही इस घातक बीमारी कोरोना वायरस चलते सरकार के आदेश का पालन कर सेंटर में यहाँ काम बंद कर दिया गया है। अब जब से लॉकडाउन की वजह से मजदूर गरीबों के लिए भोपाल के डोनेशन इकट्ठा करके सेंटर के सुपरवाइजर से मूवी बनाकर इस गरीब मजदूरी करने वालों की मदद की जा रही है। प्रत्येक महिला को एक मास्क, एक डिटॉल, एक खाद्य सामग्री के लिए प्रत्येक फैमिली के हिसाब से प्रत्येक फैमिली को लगभग 500-500 रुपये वितरित किए जा रहे हैं। लगातार इन चार दिनों में वितरित कार्य चल रहा है। सागर जिले के अलावा रायसेन, भोपाल में भी ये कार्य चल रहा है। यहाँ तीनों जिलों में प्रतिदिन लगभग 150 से 200 महिला तक सहायता पहुँच रही है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। मास्क दिया गया, डिटॉल, साबुन और पैसे खर्चे के लिए। और सावधानी क्या क्या बताएं? साबुन से हाथ धोना, जैसे मुँह खोल कर नहीं चलना, नाक बंद रखना, मुँह बंद रखना, एक मीटर की दूरी बनाए रखना। हेलो, मैं सोहेल शेयरिंग केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी से, और आप लोगों का मैं सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसे घातक बीमारी के टाइम पर जो है उन गरीबों का साथ दिया और डोनेशंस देने में आगे आए। तो आज मालिक का शुक्र है, तकरीबन 150 से 200 लोगों को रोज़ जो है आप लोगों के डोनेशंस के ज़रिए इन लोगों को जो है पैसा पहुंचाया जा रहा है। तकरीबन 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक तो सागर डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर से राहतगढ़, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, सोनज डिस्ट्रिक्ट और भोपाल में, तो काफ़ी कुछ पैसे जो है इन लोगों के अकाउंट्स में डलवा दिए जाते हैं या सेंटर्स पर पहुँचाए जाते हैं। जो हमारा सेंटर था राहतगढ़ के अंदर, वहाँ जो है हमारे सुपरवाइज़र के ज़रिए हम लोगों ने जो है पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेंटर बनाया है। तो उसमें जो है 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक जो है हम अपनी फैमिली के हिसाब से और ज़रूरतमंद के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं। ये जो कुछ भी पैसा दिया जा रहा है वो आप लोगों के डोनेशंस के ज़रिए दिए गए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। और हमारे ऐसे टाइम के ऊपर जो है हमारी सरकार जो है, पुलिस और डॉक्टर्स जो है अपने 24 घंटे अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो ख़ास तौर से हमारी ताकीद है अपने सेंटर्स के ऊपर या जिस पर डोनेशंस दिया जाता है कि उन लोगों को समझाएं जिन लोगों को डोनेशंस दे रहे हैं कि ऐसे टाइम पे जो है हमें उन लोगों का साथ देना है, उनके सेवाओं में कंधे से कंधा मिलाकर और उनके सरकार के इंस्ट्रक्शंस को हमें मानना है जिससे ये बीमारी कोई आगे ना बढ़े। तो मैं अब शेयर एंड केयर की तरफ से सोहेल और गरीबों की तरफ से जो है आप लोगों के जो डोनेशंस पहुँचे हैं उससे सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप इन गरीबों के काम आते रहेंगे जिससे इनका घर पे दो वक्त खाना बने और आप लोग दुआओं में शामिल हो सकें, आपका डोनेशन सही जगह के ऊपर पहुँच सकें। शुक्रिया बहुत। गरीबों में क्या वितरण किया गया? जी, आज जो सोहेल सर के द्वारा भोपाल से और सभी डोनर्स ने जो भी सामान हमारे लिए यहाँ पे पहुँचाया, जैसे कि कपड़े गरीब लोगों के लिए और पैसे जो आज मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, और मॉक्स बांटे हैं, ग्लव्स बांटे हैं, पैसे दिए हैं और डिटॉल साबुन दिए हैं, जिसके वजह से कि ये लोग स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान रख सकें और अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और जैसे कि आज बीड़ी बंद हो गई है तो गरीब भी स्थिति के लोग हैं जो कि आज वो अपने खाने से मोहताज हैं, तो उन लोगों के लिए जो भोपाल से जो शेयर एंड केयर संस्था हम चला रहे हैं तो सभी डोनर्स ने पहुंचाया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इन लोगों तक हम ये पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी कितनों को दिए गए हैं? ये करीब हम 3 रोज से ये काम कर रहे हैं और 2-2, 4-4 करके हम अभी तक 35 लोगों के लिए ये सामग्री पहुँचा चुके हैं। अभी और भी बकाया हैं कि हो गए हैं? अभी बकाया हैं, और जितने भी हमारे लिए मिलेंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम सब लोगों तक जो भी हमसे बन सकता है हम वो पहुंचाएंगे। कितने पैसे दिए गए हैं? समथिंग किसी को 500, किसी को 400, जिस हिसाब से और जैसी फैमिली है उस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का सहयोग है? जी, हमारे लिए पूरा सहयोग मिल रहा है और हम पुलिस और डॉक्टर्स और जो भी इस बीमारी के चलते जो भी सपोर्ट कर रहा है हम सभी कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।